बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सेहत याब होंगे। इसके साथ ही आज आपको बताते चलें कि आज हम खेतों में मौजूद हैं, गंदम की फसल में हैं हम, और हम आज गंदम की जो ऊपर वाली सिपियाँ हैं ना, ये उतारेंगे, इसलिए कि जब ये फसल तकरीबन पक जाती है, अभी से इसको काटने में कुछ दिन बाकी हैं, तकरीबन 5-7 दिन बाकी हैं, तो हमने सोचा कि अब हमारे घर में गंदम ख़त्म हो चुकी है, तो हमने सोचा कि बाहर से लेने के बजाय अपनी ही गंदम हम काट लें और हम इसकी ऊपर वाली सिपियाँ उतार के और हम इसमें से गंदम निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम इसमें से गंदम कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसकी ऊपर वाली सिपियाँ काटते हैं और इससे दाने निकालते हैं, गंदम निकालते हैं। यह देखिए, हम इस तरह इसको काटेंगे इस तरह। और अगर हमारे पास, ये भी आपको बताते चलें कि हमारे पास जानवरों का चारा जो होता है वो तूड़ी के बगैर जानवरों का पेट नहीं भरता। हरा चारा होता है, सब्ज चारा होता है और उसके साथ तूड़ी मिलाना ज़रूरी होता है। और साल के आखिर में जब गंदम पक जाती है तो हमारे इलाकों में तूड़ी भी ख़त्म हो जाती है, इसलिए हमें इसमें से ये जो ऊपर की सिपियाँ हैं इसे उतार कर और नीचे से जो इसका नाड़ है इसे काट कर हम मशीनों के ज़रिए टोका बनाकर हम जानवरों को भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ हम दाने भी निकाल लेते हैं और हमें तूड़ी भी हासिल हो जाती है, और इसीलिए आज हम तूड़ी भी बनाएंगे और ये आपको दाने का ये निकाल कर दिखाएंगे, यानी गंदम भी हम आपको दिखाएंगे कि इसमें से गंदम कैसे निकाली जाती है। ये देखती हूँ, पहले से भी काफ़ी सिपियाँ उतार के रखी हुई हैं ताकि हम इसमें से काफ़ी सारा गंदम निकाल सकें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक गंदम निकाल सकें। और इस तरह हमने सिपियाँ उतार ली, देखें हमने इस तरह से इस पर सिपियाँ उतार ली और हम अब इसे घर ले जाएंगे और वहाँ ज़मीन पर डालकर हम इसे डंडे की मदद से इसमें से दाने निकालेंगे, यानी गंदम निकालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पहले से ही जहाँ गंदम काफ़ी जमा किया हुआ है और बाकी और भी हम इसमें लाकर डाल देते हैं और अब हम इसे डंडे की मदद से इसमें से गंदम निकाल। पहले हम इसे फेंटेंगे अच्छी तरह, ये देखें ये तकरीबन हमने इसे फेंट लिया है। अब इसके बाद हम इसे ये देखें, अब हमने ये त्रिपाल बिछा दी और फिर इसके बाद हम स्टप के जरिए इसे हवा में उछालेंगे ताकि ये गंदम अच्छी तरह साफ हो जाए और
इसका आटा हम बनवा सकें। ये देखें, हमने इस पे से ये जो है ऊपर वाला कूड़ा ये एक वो करते हैं इसके लिए हम दूसरी तरफ कर लेंगे ताकि गंदा साफ हो जाए। देखा नाजरीन, हमने ये गंदा निकाल लिया है। तो देखिए नाजरीन, हमने कैसे देसी तरीके से घरेलू हिसाब से हमने गंदम निकाल ली, ना कोई मशीन और ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, बल्कि हमने अपने हाथों और डंडे की मदद से हमने गंदम की फसल के ऊपर से जो है सिटकियाँ हैं वो लोप के हमने उसे डंडे की मदद से उसमें से दाने निकाल लिए। ये देखें, ये खूबसूरत मोटे मोटे दाने निकल आए हैं और अब हम इसे बिल्कुल साफ करके भेज सकते हैं। तो नाजरीन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस आपकी मदद से और आपकी प्रमोशन से हम आगे बढ़ सकें और अगली वीडियो हम बहुत इससे भी अच्छी बना सकें। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इससे भी अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें आपको दिखाएँगे और अच्छी अच्छी वीडियो लाएँगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।